क्रिकेट बैटिंग हो या मटका सट्टा, मध्य भारत में सबसे बड़ा कारोबार नागपुर से ही चलता रहा है। काफी समय पहले से बड़े बुकियों ने अपना व्यापार महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हैदराबाद में भी फैला दिया था। पहले इसकी कमान कुछ हाथों में थी, लेकिन समय के साथ इसका कारोबार बढ़ता चला गया। आज हर गली मोहल्ले में एक स्टोरी काम करने लगा है, साथ ही गोवा और दुबई में भी बैठकर बड़े पैमाने पर बुकी अपना काम कर रहे हैं। नागपुर में सटोरियों के बड़े दांव लग रहे हैं और सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। नागपुर की कमान संभालते ही पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सटोरियों की परेड ली थी। नामी क्रिकेट बोगियों को सट्टा कारोबार बंद करने को मजबूर भी किया था। कुछ लोग सुधर गए, लेकिन नए नए लोग इस कारोबार को आगे बढ़ाने लगे। अब भी छोड़ चुके बुकियों के नाम पर लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। भरपूर माया देखकर सट्टेबाजी करने वालों के हाथ कईयों ने थाम लिया, जिसके बाद यह कुनबा बड़ा होता चला गया। पुलिस की सख्ती से लोगों में डर तो फैला है, लेकिन करोड़ों का व्यापार कोई कैसे छोड़ सकता है। इसलिए बड़े बुकी तो नागपुर में ही रहते हैं, लेकिन कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने पर उनके मुनीम उनकी टीम के साथ नागपुर छोड़ देते हैं। नागपुर से केसरी उजाला न्यूज़ के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट।